जब कोई शॉर्ट वीडियो क्रिएटर कोई वीडियो क्रिएट करता है और उसमें एंगेजमेंट के लिए कोई म्यूजिक या साउंड इस्तेमाल करता है, तो उनके दिमाग में बस एक ही डाउट रहती है कि अगर हम अपलोड कर दें तो कहीं हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, चाहे हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ जाए। तो ये प्रॉब्लम हर एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर के दिमाग में रहता ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो पर आपको स्ट्राइक आएगा और कौन सी वीडियो पर जब आप कोई साउंड इस्तेमाल करेंगे तो नहीं आएगा। सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कोई चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले आपको दो बातों के सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना है कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो तरह के होते हैं, जिसमें आपको एक कॉपीराइट क्लेम होता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक में आपके चैनल पर स्ट्राइक लग जाता है और क्लेम अगर आपके कोई भी वीडियो पर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तब थोड़ा बहुत फर्क उस पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका रेवेन्यू उस बंदे से शेयर करना पड़ता है जिसका आपने साउंड इस्तेमाल किया है या जिसका भी आपने कॉन्टेंट इस्तेमाल किया है। पर अगर आपको स्ट्राइक आ जाता है तो आपके चैनल डिलीट होने का भी यहाँ पे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका क्लेम आ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको इसमें यही तरीका बताऊंगा कि अगर क्लेम आ चुका है तो आप कोई भी साउंड कहीं से भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं आपके चैनल की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका क्लेम वाला वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बॉलीवुड का सॉन्ग हो चाहे कहीं का भी सॉन्ग आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा स्टेप नहीं बताऊंगा जिससे आपका कोई स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाए। जो तरीका बताऊंगा पूरा जेन्युइन है और यूट्यूब इसको खुद अलाउ करता है। तो सारा प्रोसेस चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर आपको कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग अपने वीडियो में एंगेजमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये स्टेप सबसे पहले देख लेना, नहीं तो आपके भी चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर में आपको ऐड अ साउंड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर आएंगे तो कोई भी सॉन्ग आपको अगर अपने वीडियो में ऐड करना है तो उसको सबसे पहले यहां पर आपको सर्च कर लेना पड़ता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक सॉन्ग सर्च करके दिखा देता हूं, जो कि मुझे आपको इसमें एग्जांपल के तौर पर दो सॉन्ग सर्च करके बताना पड़ेगा, एक जो इसमें आता है एक जो इसमें नहीं आता है। तो पहला सॉन्ग सर्च करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहला सॉन्ग सर्च किया और यहाँ पर जो नीचे में है कहीं भी मुझे वो सॉन्ग यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर लूँ तो इस पर मुझे 100% स्ट्राइक आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैं दूसरा सॉन्ग यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ पर मिल गया तो इसको मैं 100% अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देख सकते कि यहाँ पर वो सॉन्ग है, इसको मैं सबसे पहले प्ले करके देख लूँगा, अगर अच्छा लगा तो मैं अपने वीडियो में इस्तेमाल करूँगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं इसे नहीं इस्तेमाल करूँगा। और अगर जब मैं इसमें से कोई सॉन्ग इस्तेमाल करूँगा तो मुझे सिर्फ क्लेम आएगा, स्ट्राइक नहीं आएगी। अगर क्लेम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अपने चैनल पर, ना ही उसका एंगेजमेंट डाउन होता है, ना ही कुछ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको भी इस तरह से सर्च करना है और अपने वीडियो में इस्तेमाल करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर होंगे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।